an expose. This is a story that comes to you from Bihar. Behind Bihar's chemist counters are imposters, it seems, who are posing as pharmacists. This is a case that was first brought to the Supreme Court's attention a few weeks ago. The Supreme Court also had a say in this entire matter. But has anything changed on the ground? This is a ground report brought to you. My colleague Saurabh brought us this over a period of a few days. This was his research. Take a look. They can be found on every street, stocked with life-saving drugs. But what if the person behind the counter is completely unqualified for the job and is selling you medicines willy-nilly? A diploma in pharmacy or a bachelor of pharmacy is a basic qualification for a practicing pharmacist. But in Bihar, those rules go for a toss and fake pharmacists rule the roost. In the government-run New Gardiner Hospital in Patna, we found two uncertified pharmacists operating on behalf of the registered pharmacist whose certificate is proudly displayed on the wall. कितने का है ये? ये कर पाएगा, 7 रुपए का होगा। इधर भी लगेगा। ये है आपका 40 रुपए। मेरा है ना? आप क्या उनके भाई भाई हैं क्या? लीजिए। लिया हम 5 साल से इस लाइन में काम कर रहे हैं। अच्छा। उसका नॉलेज है ना? मतलब एक्सपीरियंस पे जैसे कंपाउंडर डॉक्टर बन जाता है वैसे ही पटना के कोनो कोना के दवाई की हमने समझ लेने की क्या हाट है तो इसका क्या नाम है फार्मेसी जो है एक अक्त ना खाना इसको क्या हुआ क्या नाम अमित नाम है अमित फिर है दो सर दो दो है क्या इसमें दो दो फार्मासिस्ट है नहीं फार्मासिस्ट है मालिक है ओनर है At the private Ruvan Women and Child Hospital in Patna, the pharmacist had registered in Uttar Pradesh but is practicing illegally in Bihar. College se hai, college aapko pura degree dega. Wo degree leke uske baad usme kuch aur 3 mahine ka aapko experience certificate lena hoga. Theek hai. Theek hai. Usko bolte hain kya naam hai? Internship jo hota hai. Internship. Haan. Theek hai. Internship 3 mahine ka hota hai. 3 mahine ka internship kar liye. Uske baad ye kuch documents aur bhi hain. उसके बाद ये सब डॉक्यूमेंट वगैरह ये सब इंटरव्यू वगैरह उसके बाद अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है हम लोग यूपी में हो गए ऑनलाइन अच्छा टोटल आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर दिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपको कोई भी फॉर्म भरते हैं तो आईडी पासवर्ड सबसे पहले होता है ना आईडी पासवर्ड बन गया उसके बाद रजिस्ट्रेशन आप सक्सेसफुल हो गया रसीद आपको मिल जाएगा वो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से होता है रजिस्ट्रेशन ठीक है तो उसका रसीद मिल गया उसके बाद अपने वेबसाइट पर कोई भी खोल के चेक कर सकते हैं कि आपका कहाँ तक प्रोसेस हुआ है यूपी में ही हो गया चुका है जहाँ तक हम लोग का टोटल ऑनलाइन ही हुआ है तो आप यूपी में थे तो आप बिहार में प्रैक्टिस कर सकते हैं ऐसा बिहार है? में मतलब जिस स्टेट है ना तो यहाँ पे हम अपना डिग्री नहीं दिए हैं क्यों नहीं दे पाएंगे क्योंकि बिहार में हमको ट्रांसफर कराना पड़ेगा अच्छा मतलब कि आप जैसे जहाँ का रजिस्ट्रेशन होता है आप वहीं पे प्रैक्टिस कर सकते हैं हो चुका है तो आप यूपी में ही ऐसे लीगली अगर आप देखा चलाना चाहते हैं कुछ करना चाहते हैं तो यूपी में ही करेंगे In this hospital in Bhagalpur, the pharmacist's brother is dispensing medicines without even asking for a prescription. बेटी के लिए तो डॉक्टर ही कंसल्ट करेंगे प्रेगनेंसी में वैसे तो इसमें बेटी के लिए एक ही टैबलेट तो एक ही आता है ऐसे नहीं दे सकते डॉक्टर ही एडवाइस करेगा फिर जब ही ले एक फार्मासिस्ट Where he said that a student studying to be a pharmacist is running this pharmacy in a hospital in Begusarai, and what he revealed was shocking. Pharmacist, आप हो कि कोई और है हमको कुछ पूछना था बताइए हम कह रहे कि आप ही हैं हमको वो छोटा भाई का करवाना था एडमिशन फार्मी में बी फार्मा में कहाँ करवाना है मतलब बिहार से कि अदर स्टेट से बिहार से हाँ बिहारे से बिहार से देख लीजिएगा सेशन वगैरह कॉलेज
सेशन अगर देख लीजिए, सेशन लेट तो नहीं है जाए कॉलेज को हम किससे। आप किए हैं? हमारा अभी अपेयरिंग चल रहा है। चल रहा है, कहाँ से कर? यहीं से कर रहे हैं, यमुना इंस्टीट्यूट। अच्छा, इसमें क्या लाइसेंस भी लेना होता है क्या? जैसे लाइसेंस बार काउंसिल से जैसे लाइसेंस लेते हो, इसमें इसमें भी लेना होता है? तो सबको दे देता है लाइसेंस? हाँ, सबको दे देता है। डिफार्मा भी मिल जाएगा, डिफार्मा भी मिल जाएगा। उसमें जुगाड़ होता है कुछ? मान लो अगर किसी का डिग्री लेकर खोल सकते हैं। किसी का भी डिग्री लेकर खोल सकते हैं? किसी का डिग्री लेकर मतलब? मतलब हम डिफार्मा है तो हमारा भी डिग्री लेकर वहीं भी आप चला सकते हैं। तो वहाँ फार्मासिस्ट का जरूरत नहीं पड़ता है? अब डिग्री रखा हुआ तो फार्मासिस्ट का क्या मतलब मान्य हो जाएगा? वो डिग्री दिख रहा है महिला के नाम से, दिख रहा चला हम गए महिला के नाम से है तो क्या दिख रहा है? महिला खुद नहीं दिख रहा है, ऊपर कोना में। The student also claimed that out of the 2,000 odd chemist shops in Begusarai, barely 100 have registered pharmacists.